हमारी बहन को रात में फोन करके गाली दे रहा था, गंदी गाली दे रहा था। और हमारे जीजू वासी रोके हमको बताए गए, तो अब बताओ क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे। चार पांच जन थे वो ऑफिस में मेरे घुस के उनको इतना बेरहमी से मारा। उसको मार के क्या मिलेगा हम लोग को, बद्दुआ लेने की उसको मार के। ये अकेला ही मारता था तो मर जाता था वो। कभी कोरोना है तो क्या अपराधी ऐसे ही घूमते ही रहेंगे क्या? वो तो जुर्म ही करते रहेंगे। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अंबेडकर पाड़ा में मारपीट की खबर सामने आई है, मगर दोनों पक्ष कुछ अलग अलग ही बयान दे रहे हैं। अंबेडकर पाड़ा के साई अपार्टमेंट में रहने वाले गोवर्धन पाटिल 38 वर्षीय के सिर में मार लगी है, जो बुरहानी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। गोवर्धन की पत्नी रूपाली गोवर्धन ने बताया है कि उनके पति शराब के नशे में थे, इसलिए घर से निकलकर ऑफिस में सोने गए थे और रात में करीब 3 बजे के आसपास अंबेडकर पाड़ा में ही रहने वाले आदित्य भगत, चेतन चिकले, अक्षय बबन बागड़े, खंडिया बबन बागड़े ने ऑफिस में घुसकर उनके साथ मारपीट की है। हालांकि रूपाली गोवर्धन ने बताया क्यों मारपीट हुई इसकी वजह नहीं मालूम है, मगर वहीं आदित्य ने बताया कि उनकी बहन जो शादीशुदा है, रात के समय में गोवर्धन पाटिल ने फ़ोन कर गंदी तरह से बात कर रहा था। यहां तक कि आदित्य के जीजा को भी गोवर्धन ने फ़ोन कर आदित्य के बहन के बारे में भला बुरा कहा। आदित्य की बहन ने गोवर्धन की इस हरकत की शिकायत आदित्य से की। आदित्य का आरोप है कि फ़ोन करके गोवर्धन उसके बहन और जीजा के बीच में दरार पैदा करना चाहता है। जब गोवर्धन पाटिल के ऑफिस में आदित्य अपने 3 साथियों के साथ जाकर जानना चाहा कि आखिर क्यों फ़ोन किया, मगर कहा सुनी हो गई और हाथापाई होने लगी। इसी दौरान गोवर्धन शराब के नशे में था और बेंच पर गिर गया, जिसमें उसका सिर फट गया। उसे किसी ने ऐसा नहीं मारा कि उसका सर फट जाए, ऐसी जानकारी आदित्य और उसके साथियों ने दी है। मगर वहीं रूपाली गोवर्धन ने बताया कि इन लोगों ने ऑफिस में घुसकर मारपीट की है, ऑफिस में तोड़फोड़ की और सर में चोट लगने की वजह से गंभीर स्थिति में गोवर्धन का इलाज अस्पताल में चल रहा है। रूपाली गोवर्धन ने घटना के बारे में जानकारी दी है। हालांकि पुलिस में रूपाली ने शिकायत दर्ज कराई है, मगर FIR से रूपाली संतुष्ट नहीं है। सुनिए रूपाली गोवर्धन ने क्या बताया है। क्या नाम है आपका और आपके हस्बैंड के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, कौन लोग हैं ये जो मारपीट किए हैं और आखिर क्या वजह थी? मेरा नाम है रूपाली गोवर्धन पाटिल और मेरे हस्बैंड के साथ जिन्होंने मतलब मारपीट की, मतलब वो जानबूझ के ही की मारपीट, ऐसे नहीं की। उनका नाम है आदित्य उर्फ गोटिया और खंडिया ये अक्षय और चेतन। क्यों मार की आखिर क्या वजह थी? वजह तो पता नहीं, मतलब मेरे आदमी थोड़े ड्रिंक किए हुए थे और वो खास रहे, तो मैं उनको चिल्लाई और उनको बोली कि तुम इधर मत सो, तो गुस्से से ऑफिस में चले गए सोने और वो लोग आए, चार पांच जन थे वो ऑफिस में मेरे घुस के उनको इतना बेरहमी से मारा, उनके सर में रॉड, आँख में चाकू से वार किया, सर में टाके आए, आँख के पास भी टाके आए। तो अभी कोई वजह नहीं थी तो फिर आखिर ऐसा कुछ पुरानी दुश्मनी आपकी रही होगी, ऐसा कुछ मामला आपको याद है कुछ रहा ऐसा? नहीं, पुरानी दुश्मनी का तो मुझे तो याद नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ भी होता तो बैठ के भी तो बात कर सकते थे। तो अभी कितने टाके आए हैं आपके हस्बैंड को और क्या स्थिति है उनके हॉस्पिटल में? 9 टाका आए उनके और अभी वो तो सीरियस ही है, ऑक्सीजन पे ही है। अच्छा, तो पुलिस में कंप्लेंट वगैरह कुछ किए आपने? पुलिस में तो कंप्लेंट की है हमने। क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले तो कार्रवाई नहीं कर रहे, बोल रहे कोरोना के वजह से हम लोग क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो अभी कोरोना है तो क्या अपराधी ऐसे ही घूमते ही रहेंगे क्या? वो तो जुर्म ही करते रहेंगे। फिर उनका तो पुलिस बोल रही अभी इतना मारा है तो इसके वजह से उनका मतलब बड़ा ये कलम लगाना मांगता है 307, तो वो बोल रहे कि 324 लगा रहे हम। मेरे आदमी भले ही ड्रिंक किए थे और वो लोग झगड़ा किए, अभी क्या कारण से किए वो तो हम लोग को नहीं मालूम, उन लोग को ही पता होएगा।
अभी मेरे आदमी भी ठीक होएंगे तो हम लोग उनसे समझो पूछेंगे, पर तब तक क्या वो ऐसे ही घूमते रहेंगे क्या? फिर तो उन लोग का मतलब ये ज़्यादा ही हो जाएगा। वही इस पूरे मामले में आदित्य और उसके तीन साथी चेतन, अक्षय, खंडिया ने धक्का मुक्की लफा मारने की बात की है। आदित्य का कहना है कि कोई भी भाई बहन का घर उजड़ते नहीं देख सकेगा। उस वक्त झड़प में बेंच या टेबल पर गोवर्धन गिर पड़ा, उससे उसके सिर में मार लगी, ऐसा आदित्य और उसके तीन साथियों का कहना है। सुनिए। उसको मार के क्या मिलेगा हम लोग को? बद्दुआ लेने की उसको मार के, ये अकेला ही मारता था तो मर जाता था वो, हम लोग चार जन की क्या गरज है बताओ। सर मैं काम पे गया था रात को भाजी की गाड़ी पे, और मेरे साथ मेरे भाई भी थे, और उतने में मेरे जीजा जी का फ़ोन आया। मेरी बहन रो रही, जीजा जी रो रहे थे कि आपके एरिया में गौरव पाटिल वो मेरे को गंदी गंदी गाली दे रहा है, और कम से कम 20 के 30 फ़ोन कर रहे हैं और गाली ही गाली दे रहा है। तो मैं घर पे गया, घर पे मम्मी को बताया ऐसा ऐसा है। बाद में मैं खाली उसको समझाने गया था, और मेरे साथ भाई लोग आए थे, मुझे मेरा भाई और ये था, और ये खाली मेरा, हम लोग साथ में काम करते हैं। तो मैं समझाने गया था, इससे उससे पूछो भी, मैं उससे भाई से बात कर रहा था, भाई तुम मेरे बहन को फ़ोन क्यों कर रहे थे, वो प्रॉब्लम क्या है? उतने में बात किया तो उसके बाजू में जो मतलब वो दारू पी रहे थे, दारू पीने, उसमें एक जन उठा और मेरे को सीधा गाली गलौज करने लगा, और उधर दारू पीने से वैसे वो उसको मतलब कुछ समझ में नहीं रहा था, गौरव पाटिल को, वो मेरे को मारने उठ गया बॉटल लेके, तो हाथा पर मैं बॉटल वो पूरा ऐसा गिर गया, उसको खड़े रहने की ये नहीं थी, तो बॉटल फूट गई, और वो फ़ोन चाहो था, मेरी बहन का रोने का आवाज़ आया मेरे को। तो मेरे अभी सर कैसा है, किसके भी बहन को कोई मतलब किया तो कोई भी भाई ये कर सकता है, तो मेरे पे मेरे हार्ट हो गया, तो उसमें मैंने हाथापे हो गए थोड़ी। अभी मेरे को मारने आया, मैं बचाव के लिए हाथ उठाया उससे। उनका कहना है कि आप लोगों ने रॉड हथियार सर कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं खाली समझाने गया था, मारने के फिराक से गया भी नहीं, और हम लोग कभी झगड़े करते भी नहीं सर, करते भी नहीं, रिकॉर्ड भी देखो हम लोग से ज्यादा ब्लैक रिकॉर्ड उसका है, हम लोग ऐसे नहीं, मैं काम पे था, उसको राज की हाथ भी है उसके सर के ऊपर, इसके लिए वो ज्यादा ये करता, और उसके ऊपर इतने केस चल रहे हैं सर, हम लोग को प्रॉब्लम है सर, हम लोग को कल को कुछ हो जाएगा तो हमारे पीछे कोई नहीं आ सकता सर। मेरा भाई था, ये मेरे फुप्पी का लड़का लगता है, भाई लगता है, तो मैं इसके लिए गया, हम लोग एक साथ में ही काम कर रहे हैं। मैं ये भी बोल रहा हूँ, मैं कसम लेता, मैं उससे भाई से बात कर रहा था, भाई तू मेरे बहन को फोन किया, वो मैं सीधा माँ के ऊपर गाड़ी लगा, उसके जो बाजू में दारू पीने बैठे थे वो सीधा उड़ गए। ये घटना जो है बताया रहा है करीब 2 से 3 बजे, तीन साढ़े तीन के बीच में हुआ, तो ये रात के समय जो है फोन लगा कर ऐसी बातें कर, रात के समय हमारी बहन को रात में फोन करके गाली दे रहा था, गंदी गंदी गाली दे रहा था, और हमारे जीजू वहाँ से रोके हमको बताए गए, तो अब बताओ क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे। और जब मैं उसके ऑफिस में गया ना, तभी भी फोन चलता, वो गंदी गंदी गाली दे रही थी, रो रही थी फोन पे, तो मेरे हार्ट हो गया, मेरा हार्ट हो गया, तो उसका ही आदमी उठा और गाली गलौज देना स्टार्ट हो गया, बोले तुम लोग की लायकी क्या है ऐसा वैसा, तो हम लोग को सर ऐसा क्यों गाली दे रहा, कभी कुछ आप लोगों से झगड़ा हुआ था? कभी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, हमारा पूछ लो एरिया में जाके पूछो ये बंदा कैसा है। अभी घर पे मेरी माँ और मैं अकेले रहता हूँ। आप लोगों ने भी कुछ एनसी वगैरह किया था? हम लोग पुलिस चौकी गए एनसी करने, पर हमारा एनसी ले नहीं, क्योंकि उसको राजकारण का सपोर्ट है, इसके लिए हमारे एनसी भी नहीं लिए। किसका कौन सपोर्ट करता है? अभी वो तो आप उनको मालूम नहीं, अभी सबको मालूम होगा उसके ऊपर किसका हाथ रहता है किसका नहीं, को मारे में एरिया में पहले से संबंध है पुलिस, वो लोग का पुलिस चौकी में एरिया में, उसका रिकॉर्ड एक नंबर खराब है, खराब है उसका रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड भी चेक करो, हर महीने उसका, हर महीने झगड़ा है उसका, उसके पहले भी, इसके पहले भी उसके ऊपर केसेस के रिकॉर्ड है आज भी, और दारू वीरू भी पीता है वो, दारू का धंधा है उसका, ये लोग सब, ये लोग का राजकारण चालू है, हम लोग को फंसाने के पीछे पड़े हम लोग, अभी हमारा हम लोग का किधर कुछ भी गलत नहीं है, कभी पुलिस चौकी देखा है ना आपका, क्योंकि हमारी बहन है, हर किसी को अपनी बहन प्यारी है, सही बात है कि इसके बीच में भी नहीं है, अपन क्या होता है झगड़े करने से आपको क्या मिलने वाला है, जैसे कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उस दौरान जैसे उन्होंने पहले शुरुआत की, उसके बाद आप लोगों की तरफ से भी शुरुआत की गई मारपीट का, तो उसमें उनको मार लग गई है, ऐसा ही हुआ, जब वो गिर गया ना सर, तो जो उसके ऑफिस में बेंच था ना लोकन का, वही उसको वो लगा, अच्छा वो खुद से गिरी, इतना दारू पिया था, वीडियो में दिख रहा है कि कुर्सी उर्सी तो तोड़फोड़ मतलब मैं लात कुर्सी ना कुर्सी साइड में कर गया, लात भी मार के कुर्सी साइड में कर रहा था जाने के लिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं मारने जाता तो मैं कुछ तो लेके जाता था, पर मैं उसको समझाने जा रहा था,
तो वो कड़ी लगा के दारू पी रहे थे अंदर वो लोग। मैं उसको इतना भी बोला दादा मतलब बोला ही कड़ी खोलो, राजकीय पक्ष का ऑफिस है तो उसके अंदर दारू पी जाती है क्या? बहुत आ रहा है, खून बहुत आ रहा है, तो वो कैसे फिर उसको लग गया? अगर सर वो इतने नशे में था ना, नशे में तुमको मालूम सब आदमी लूज हो जाता है, वो सीधा गिर गया सर टेबल पे सीधा गिर गया। सर मेरे का एक मुद्दा है, मेरा ये राजकीय ऑफिस है बराबर, वो उधर का कोई तो है गोवर्धन पाटिल, तो राजकीय ऑफिस में दारू पी जाती है क्या आप मेरे को बताओ? और रात को सर कौन 3-3.5 बजे एक लड़की वो भी ऑफिस में बैठ के दारू पी जाती है, बहन की शादी और भी 4 जन के सामने बहन को गाली दे रहे हैं, उसको छोड़ दे उसकी हो गया ना सब, मतलब हमारा रिलेशन टूट गया ना सर। ऐसा भी नहीं, मेरी माने लिए मेरी सगी बहन है हमारी, हम लोग को लगेगा ना कुछ हम लोग को, और अपन कभी लपड़े करने वाले है ही नहीं है एरिया में, आप रिकॉर्ड भी चेक कर लो, हम लोग किसी के एक बीच में नहीं रहते, किसके भी नहीं, हमारी बहन है इसके लिए हम लोग ने सब किया, हर किसी की भी बहन रहती तो यही करता था, ये तो थोड़ा गया, बाकी दूसरे को भी किसका बहन रहता, आपको भी मालूम है क्या मैटर होता है? हम लोग तो प्यार से पूछने गए, बोलते हैं मारने तो मैं कुछ लेके जाता, मैं मारने गया नहीं, गए भी नहीं मैं। एक तरफ रूपाली मारपीट का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ सिर में मार से इनकार कर रहे हैं आदित्य, और रूपाली ने भी FIR दर्ज करवाई है इन चारों युवकों के खिलाफ, अब पुलिस मामले की जांच आगे करेगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।